डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। द क्वेश्चन गिवन इज इफ 3x-4y+z = 7, 2x-8+3y = 19, x+2y+2z = 24। हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें गिवन है 3x-4y+z = 7, 2x+3y -z = 19, एंड x+2y+2z = 24, ये हमें गिवन है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम x को लिख सकते हैं 24-2y-2z के इक्वल, और फिर इसे हम इन दोनों इक्वेशंस में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 3x-24-2y-2z - 4y+z = 7, दैट इज 72, -6y-6z - 4y+z = 7, दैट मीन्स -10y-5z = 7 - 72। तो -10y-5z ये हमारे पास होगा -65, दैट मीन्स 10y+5z = 65। और अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते तो 2y+z = 13, ये आ गया हमारे पास। अब हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, दैट इज 2x-24-2y-2z + 3y-z = 19, दैट मीन्स 48-4y-4z + 3y-z = 19, दैट मीन्स -y -5z = 19 - 48, यह आएगा। दैट मीन्स -y -5z = 19 - 48, तो ये हमारे पास होगा -18-9 = 19 -29। तो अगर हम देखें अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे दोनों साइड, तो -2y-10z = -58 हो गया, एंड 2y+z = 13। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो -9z = -45, तो z की वैल्यू होगी -45/-9, दैट मीन्स z = 5। सो दिस इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।